ईएसए एक्ट 1948। ईएसए के अंदर क्या है, अगर ईएसए इज बेसिकली टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल बेनिफिट्स। बेसिक इसका फंक्शन ये था कि अगर किसी को चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो ही विल गेट द फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज इन दैट। किन किन कंडीशन में मेडिकल बेनिफिट्स में क्या आएगा, इंजरी, हॉस्पिटलाइजेशन, मैटरनिटी। मैटरनिटी क्या हुआ, व्हेन द फीमेल एम्प्लॉइज, मैटरनिटी। उसके बाद डेथ केस के अंदर इंश्योरेंस है इसमें, एंड फ्यूनरल बेनिफिट्स हैं, एम्बुलेंस का खर्चा सारा, वो सब फ्यूनरल बेनिफिट्स इसके अंदर मिलेंगे, राइट। और अगर लॉस ऑफ पे, अगर बेड रेस्ट है उसको और लॉस ऑफ पे है उसका इंजरी के टाइम पे, तो उसको उसकी सैलरी मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं कैश बेनिफिट। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कितने मंथ पहले लगाया, 6 मंथ उसने लगाए हो, उसके 3 मंथ के बाद उसको मिलेगा। मैटरनिटी में भी 180 डेज उसने लगाए हो कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 180 डेज या 240 भी आ सकता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ के आसपास ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर उसको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। क्लियर? हम करेंगे ये सही, तो ये सही की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे इसके अंदर। सो क्लियर हो गई है? अब ये एप्लीकेबल किस पे है, इट इज एप्लीकेबल ऑन ग्रॉस, ग्रॉस सैलरी पे एप्लीकेबल है, और जहां पर 10 या एंड अबव, 10 और अबव है, तो पीएफ भी 20 और अबव है ना, 10 और अबव एम्प्लॉइज हैं, वहां पे ईएसआई नंबर, ईएसआई रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर क्या देगा, बड़ा आई कैपिटल, एम्प्लॉयर जो है वो आई कार्ड इशू करेगा, आईडी कार्ड, तो वो उस पर स्टैंप लगेगी, इस तरह का आई कार्ड होगा, उस पर स्टैंप लगेगी, फोटो लगेगी, तो सिग्नेचर होंगे, तो वो आई कार्ड लेके हॉस्पिटल में जाएगा, अपना फ्री हॉस्पिटलाइजेशन करवा लेगा, फ्री इलाज, ठीक है। और ये आईएसटी कार्ड, आईडी, आईडी कार्ड, आईडी कार्ड बनेगा ना। अब ये एप्लीकेबल 21,000 तक की ग्रॉस पे है, उसके ऊपर नहीं है, अप टू 21,000 तक एप्लीकेबल है। अगर 21,000 से 1 रुपये ऊपर है तो नहीं एप्लीकेबल होगा ये, ठीक है। तो इसमें जो स्मॉल ई है, जिसको हम एम्प्लॉई बोलते हैं, वो कंट्रीब्यूट करेगा, अभी जो लेटेस्ट आया है वो 1% आ गया है, और कैपिटल ई जो है एम्प्लॉयर, वो आ गया 4%। तो टोटल डिपॉजिट जो होगा 5% होगा ग्रॉस का। क्लियर? ये क्लियर हो गया? तो अब हमने 1% ऑफ ईएसआई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय अपनी पॉकेट से लेगा, कितनी सैलरी का सपोज, ये सैलरी मेरी 20,000 वाली पुरानी चल रही है, तो 20,000 इनटू 1% डिवाइडेड बाय 100 कम्स आउट टू बी 200, तो 1800 और 2000, 200 कितना हुआ, 2000, तो 2000 माइनस किया कितना आया, 18,000 नेट सैलरी। घर वो ये लेके जाएगा, क्लियर? अब चलान में क्या बनेगा, अगर हम चलान की बात करें कि अगर हम इसकी चलान किस तरीके से बनेगा, एक तरीके का, तो ये आएगा 20,000 कम्स आउट टू बी 200, 20,000 कम्स आउट टू बी 800, तो कितना बना यहाँ पे नीचे, दिस प्लस दिस 1,000 रुपीज वो डिपॉजिट होगा। सीटीसी क्या आएगा, सीटीसी में हम ग्रॉस
प्लस टीएफ हम कैलकुलेट कर चुके 13% 20,000 15,000 का प्लस ईएसआई 4% इनटू 20,000 यानी कि 20,000 प्लस 1950 रुपए प्लस 800 रुपया ये आपका आ गया 05722 जो एम्प्लॉई जो एम्प्लॉई आपका 20,000 पे था उसको कंपनी की कॉस्ट कितनी बढ़ गई प्रोविडेंट फंड 15,000 के हिसाब से 13% इसी का 4% ईएसआई का 20,000 का 800 ये 1900 ये एंड इट कम्स आउट टू बी 22,750 ये बना कैलकुलेशंस कैलकुलेशन करके देख लो इसको 20,000 प्लस 1950 प्लस 800 22,000 तो एम्प्लॉई जो हियर यू कैन गो फॉर द नेगोशिएशन विद द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज कि ही इज आस्किंग फॉर 21,000 एंड यू आर पेइंग हिम ऑफरिंग अ सैलरी ऑफ 120,000 तो यू कैन नेगोशिएट विद दैट फेलो कि वी आर ऑलरेडी पेइंग यू 2750 ऑलमोस्ट 2800 रुपीस एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव 20,000 तो उसकी नेट सैलरी तो 18,000 आ रही है लेकिन कॉस्ट तो एम्प्लॉई को ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास पड़ गई 2800 पड़ गया ऊपर से अगर मैं 2800 ना मेरा लगता सपोज आई कैन हैव 10 मोर अगर मैं इसको 10 बंदों का 2800 बचा लूं तो एक बंदा मैं 28,000 का रख सकता हूं मेरी कंपनी के अंदर उसका फायदा होगा काम करेगा एक्स्ट्रा सो हियर यू कैन नेगोशिएट यू कैन ऑफर हिम 19,000 आल्सो कि हम आपको 21,000 दे देंगे हम आपकी बात पे आते हैं 21,000 देते हैं हम आपको 19,000 देते हैं ये 17,000 आ जाएगा 21,000 का बोला सफिशिएंट है तो इट इज ड्यूटी ऑफ द एचआर हाउ टू नेगोशिएट इट्स द स्किल्स कि किस तरीके से उसे नेगोशिएट करना बिकॉज एवरी पेनी काउंट्स अगर 1,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है 1,000 10 बंदों पे 10,000 100 बंदों पे कितना हो गया लगा लो है ना लाख हो गया सो वो लाख कहीं और यूटिलाइज हो सकता था इंसेंटिव में यूटिलाइज हो सकता था कुछ कल्चरल प्रोग्राम फेस्टिवल्स या कुछ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज में यूज हो सकता था सो हियर यू कैन सो यू एच आर ऑलवेज हैव देयर बजट्स तो बजट्स के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो क्लियर दिस इज दी जैसे ग्रॉस 20,000 था तो आपने पीएफ तो वो चीज है और ईएसआई में बेसिक 21 से ऊपर 21 से ऊपर होनी चाहिए सीलिंग हां ग्रॉस ग्रॉस सीलिंग 21 से तो नहीं लगेगा 21 से ऊपर है 21,000 से ऊपर है तो नहीं लगेगा वो ठीक है और इसकी जो सीलिंग है प्रोविडेंट फंड की वो बेसिक पे 15,000 प्रोविडेंट फंड की 15,000 पे है 15,000 बेसिक पे है उसके ऊपर नहीं लगाना आपको That's all about your ESA.